नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार। उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा समय शेष नहीं है। सभी प्रमुख दलों ने चुनावी दंगल में उतरने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनावों में असल परीक्षा मौजूदा विधायकों की है। जनता अब उनके 5 साल के कार्यकाल में किए कामकाज का हिसाब किताब लगाएगी। विधायक अपने किए हुए दावों और वादों पर किस हद तक खरे उतरे हैं, इसका आकलन होगा। विकास के दावों की पड़ताल करने देवभूमि इनसाइडर की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर जन सर्वेक्षण कर रही है। साथ ही जनता की उनके विधायक को लेकर राय लिए जा रही है। आज हम बात कर रहे हैं अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र की। इस सीट की विधायक भारतीय जनता पार्टी से रघुनाथ सिंह चौहान है। अल्मोड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित है। इस क्षेत्र में अब तक हुए चुनावों में कांग्रेस का दबदबा दिखा है, लेकिन भाजपा ने 2017 में कांग्रेस के गढ़ में सेंध मारी थी। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद यहां हुए पहले चुनाव में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के श्रीचंद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यशपाल आर्य के बीच रहा। 1424 वोटों के अंतर से यशपाल आर्य ने इस सीट पर जीत हासिल की। 2007 के विधानसभा चुनाव में भी यशपाल आर्य एक बार फिर से चुनाव जीत गए। 2012 विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से टिकट मनोज तिवारी को दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से रघुनाथ सिंह चौहान ने कमान संभाली। 1181 वोटों के अंतर से कांग्रेस ने चुनाव में जीत हासिल की। 2017 के विधानसभा चुनाव में पासा पलटा। मोदी लहर के बीच भाजपा के रघुनाथ सिंह ने मनोज तिवारी को पस्त कर दिया और पहली बार भाजपा का परचम फहराया। 2012 में इस क्षेत्र में कुल 78,503 मतदाता थे। विकास के दावों की हकीकत। विधायक रघुनाथ सिंह चौहान को लेकर क्षेत्र की जनता के बीच मिली जुली राय है। कुछ लोग विधायक के पक्ष में नजर आए, जबकि कई लोगों का कहना है कि जिस दर से अल्मोड़ा में विकास हुआ है वह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। विधायक के कई चुनावी वादों को अब भी जनता हकीकत में परिवर्तित होता देखने के इंतजार में है। मामला चाहे सड़कों के निर्माण का हो या उनके डामरीकरण का, रफ्तार बेहद सुस्त है। बिजली की सुचारू सप्लाई क्षेत्र में नहीं है। ग्रामीण हिस्सों की हालत ज्यादा खराब है। स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सुविधाएं भी पटरी से उतरी हुई हैं। जनता का कहना है कि भाजपा के सत्ता में होते हुए भी क्षेत्र में उस गति से विकास नहीं हुआ। शहरी क्षेत्र में बदहाल सफाई व्यवस्था से लोग परेशान हैं। वहीं सीवर लाइन के निर्माण को लेकर किया गया वादा पूरा हुआ है। वहीं खरीदारी के लिए बाजार आने वाले लोग पार्किंग की समस्या से जूझते हैं। इसको लेकर कई बार विधायक को अवगत करवाया गया है, लेकिन समाधान नहीं मिला। क्षेत्र की समस्याएं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पेयजल की किल्लत, अस्पतालों में डॉक्टर का अभाव, शिक्षण संस्थानों में स्टाफ का अभाव, लंबे अरसे से सड़कों का डामरीकरण ना होना, शहर में पार्किंग की समस्या, ये पब्लिक है, सब जानती है। हमारे संवाददाता ने क्षेत्र के कई हिस्सों में जाकर स्थानीय लोगों से विधायक रघुनाथ सिंह चौहान के कार्यकाल के बारे में जानकारी ली। आप भी सुनिए क्या कहना है जनता का अपने चुने हुए विधायक को लेकर। समस्याएं तो कुछ न कुछ तो रहती है, लेकिन फिर भी ठीक है, ऐसा नहीं है। मुलाकात करते हैं, नमस्कार पुरस्कार होती है, हमसे अच्छे संबंध है, बाजार में आते हैं, लोगों से मिलना जुलना अच्छा है, व्यवहारिक आदमी है। आजकल तो ठीक है, पहले थोड़ा खराब। सर आगामी 2022 चुनाव की हम बात करेंगे, क्या लगता है जनता का समर्थन मौजूदा विधायक के साथ ही रहने वाला है या समर्थन बदलेगी? सर आगामी 2022 चुनाव की हम बात करेंगे, क्या लगता है जनता का समर्थन मौजूदा विधायक के साथ ही रहेगा या समर्थन बदलना चाहिए? ये तो इनके कार्यकाल, इनके जो जिस हिसाब से काम करेंगे उस हिसाब से जनता चुनेगी ना, कार्यकाल जिस हिसाब से उनका काम रहेगा ना। देखिए आम आदमी का तो अभी ऐसा है, आम आदमी जो चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें नेशनल पार्टी बनना है। वो सिर्फ 6% वोट के लिए अपना प्रचार कर रहे हैं, उन्हें जीतने और हारने से कोई मतलब नहीं। वो एक डमी जो हम कहें उस रूप में आ रहे हैं। योजनाएँ चल रही हैं, लेकिन अभी ये धरातल पर कहीं पर भी जो है साकार नहीं। जनता का समर्थन मौजूदा विधायक के साथ ही रहने वाला है, समर्थन देते हैं मौजूदा विधायक को। अगर टिकट मिलता है तो बहुत परेशानी है, परेशानी भी होती है।
इनके विकास कार्यों की बात करते हैं अपने। तो ऐसा है कुछ दिखता नहीं है ऑन ग्राउंड में, हाँ कागजों में जो होगा वो होगा, ग्राउंड के ऊपर तो कोई ऐसा खास विकास नहीं है जिससे पब्लिक को फायदा हो। तो थोड़ा बहुत तो है ही है, पर जितना ही विधायक को होना चाहिए उतना है नहीं है। थोड़ा आम दूर आम जनता से थोड़ा दूर है, दूर दराज की जनता से। शहर में तो इनका है ही है, शहर के आसपास के इलाके में ही है इनका जी। जनता की समस्याएं मैं तो दुकानदार हूँ, दुकानदार के साथ में आती हूँ कि कोरोना काल में जो परेशानी हुई उसके अलावा हमें कोई परेशानी नहीं है। अपने चुने हुए विधायक के पिछले 5 सालों के कार्यकाल से कुछ लोग संतुष्ट नजर आते हैं तो कुछ नहीं। जनता का कहना है कि विधायक ने मुख्य अल्मोड़ा शहर में सड़कों एवं सीवर लाइन के क्षेत्र में काम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी अल्मोड़ा के दूसरे हिस्से कई बड़ी परेशानियों से जूझ रहा है। पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए क्षेत्र में पाइपलाइन का निर्माण और जाम की समस्या के लिए पार्किंग का निर्माण भी गतिशील है। अपने इस कामकाज से विधायक रघुनाथ सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोधियों का कहना है कि विधायक ने रोजगार, पर्यटन, सड़क निर्माण जैसे विषयों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के मनोज तिवारी भी क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनको लेकर भी स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। वहीं सबसे अहम है इस सीट पर आम आदमी पार्टी का बढ़ता दखल। आपके कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में सक्रियता बनाए हुए हैं, ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव में मुकाबला भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है। अल्मोड़ा विधानसभा जन सर्वेक्षण के आधार पर विधायक रघुनाथ सिंह चौहान का रिपोर्ट कार्ड असल कहानी कह रहा है। जन लोकप्रियता बी, जन विकास कार्य बी, जन संवाद बी, जन नेतृत्व बी, ओवरऑल ग्रेड बी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। नमस्कार।